नमस्कार, बंसल न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रीनू यादव। जैसा कि आप जानते हैं कि आयुष्मान में हर बार स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर खास जानकारी दी जाती है, और इस कड़ी में आज हमारे साथ हैं डॉक्टर प्रिया भावे, जो बंसल हॉस्पिटल में रिप्रोडक्टिव मेडिसिन की कंसल्टेंट हैं। डॉक्टर प्रिया, स्वागत है आपका। और आज हम बात करेंगे फेलोपियन ट्यूब के बारे में। अगर आप भी इस बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो कार्यक्रम के दौरान हमसे सीधे जुड़ सकते हैं और डॉक्टर प्रिया से सलाह ले सकते हैं। हमारे नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं और आप इन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। डॉक्टर प्रिया, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि फेलोपियन ट्यूब क्या है। जी, फेलोपियन ट्यूब जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, जो जीवन की शुरुआत है, यानी जो अंडा और शुक्राणु मिलकर एम्ब्रियो बनता है, ये प्रक्रिया फेलोपियन ट्यूब में ही शुरू होती है। फेलोपियन ट्यूब दो होती है यूट्रस के दोनों तरफ, और इनका जो साइज़ होता है वो लगभग 10 सेंटीमीटर होता है। इंटरनल डायमीटर यानी इनकी जो अंदरूनी लाइनिंग होती है वो 1 मिलीमीटर की होती है। फेलोपियन ट्यूब का एक हिस्सा जो है वो यूट्रस से जुड़ा रहता है, और जो दूसरा हिस्सा होता है वो ओवरी के पास होता है। जब भी ओवरी से ओव्यूलेशन होता है, यानी एक एग जब बन के रप्चर होता है, तो फेलोपियन ट्यूब का जो आखिरी हिस्सा है वो ऑक्टोपस के समान रहता है, वो अपने मूवमेंट से एग को अपने अंदर कैप्चर कर लेता है। ये जो एग है, यदि इस समय पर सहवास हुआ है, पति पत्नी साथ रहे हैं, तो इस समय पे जो स्पर्म्स हैं वो ट्यूब तक स्विम करके आते हैं, और जैसा हम इस चित्र में देख पा रहे हैं फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन के बाद लगभग 3 से 4 दिन का जो भ्रूण का डेवलपमेंट है, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट है, वो फेलोपियन ट्यूब के अंदर ही होता है। और फर्टिलाइजेशन के लगभग 5 दिन के बाद में एक्चुअली एम्ब्रियो यूट्रस में जाता है और प्रेगनेंसी जो है इम्प्लांट होती है और आगे कंटिन्यू होती है। तो इस प्रकार फेलोपियन ट्यूब का बहुत ज़्यादा एक सेंट्रल रोल होता है प्रेगनेंसी आने की, कंसीव करने की प्रक्रिया में, और न केवल फर्टिलाइजेशन परंतु अर्ली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, यानी मानव शरीर का जो शुरुआत का जो डेवलपमेंट होता है फर्टिलाइजेशन से लेके ब्लास्टोसिस स्टेज तक, वो भी फेलोपियन ट्यूब के अंदर ही पूरा होता है। जी बिल्कुल डॉक्टर भाई, ये तो हमने जाना है कि फेलोपियन ट्यूब क्या है, उसका रोल क्या होता है। फेलोपियन ट्यूब ब्लॉक क्या होता है, इसके बारे में जानना चाहेंगे। देखिए, फेलोपियन ट्यूब का जो मैंने आपको समझाया कि एक हिस्सा जो है वो फैला हुआ रहता है, उसे फिम्ब्रिया कहते हैं, और ये ऑक्टोपस की तरह होता है। ये अपने अंदर जो ओव्यूलेशन होता है जब, तो ये एग को अपने अंदर खींच लेता है। ये जो स्थिति है, यदि फेलोपियन ट्यूब के बीच में कोई अवरोध है, कोई रुकावट है, तो एग और स्पर्म जो है वो आपस में मिल नहीं पाते हैं, यानी फर्टिलाइजेशन या निषेचन की जो प्रक्रिया है वो नहीं हो पाती है। फेलोपियन ट्यूब्स आमतौर पे जो जन्मजात तरीके से ब्लॉक कभी नहीं होते हैं, ये इनके जो ब्लॉक्स होते हैं वो एक्वायर्ड होते हैं। आमतौर पे किसी इन्फेक्शन के कारण जो अंदरूनी लाइनिंग की जो सेल्स होती हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, और वहाँ पर एक स्कार बन जाता है और दोनों सतह एक दूसरे से चिपक जाती हैं। इसे हम चिकित्सकीय भाषा में एडहेशंस कहते हैं। यदि अर्ली स्टेज में इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट हो गया और एडहेशंस बनने के पहले ही हमने पेशेंट को एंटीबायोटिक्स दे दिए, तो ब्लॉक की स्थिति नहीं बनती। परंतु कई बार पेशेंट को सिम्टम्स नहीं आते हैं या वो डॉक्टर को दिखाने लेट आती हैं, और यदि इन्फेक्शन परसिस्ट करता है तो फिर फेलोपियन ट्यूब में मल्टीपल जगह पर ब्लॉक या अवरोध उत्पन्न हो जाता है। ब्लॉक होने का सीधा अर्थ होता है कि जो स्पर्म आएगा यूट्रस के अंदर से, वो फेलोपियन ट्यूब के अंदर जो एग आ रहा है उससे मिल नहीं पाएगा, यानी एग और स्पर्म का यूनियन जो फर्टिलाइजेशन है वो नहीं हो पाएगा। यानी कि यदि किसी महिला की फेलोपियन ट्यूब्स ब्लॉक हैं, तो जब तक उसका उपचार नहीं किया जाता तब तक वो माँ नहीं बन सकती, क्योंकि फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया आखिरकार फेलोपियन ट्यूब में ही होनी है। डॉक्टर पिया, क्या ट्यूब क्लोसिस की वजह से भी ब्लॉक होता है? जी, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। ट्यूबरक्यूलोसिस यानी जो टीबी की बीमारी है, आमतौर पर हम सोचते हैं कि ये फेफड़े की टीबी होती है, परंतु एक्चुअली जेनाइटल ट्यूबरक्यूलोसिस यानी जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की ट्यूबरक्यूलोसिस है, ये एक बहुत ही साइलेंट किलर है और एक ही एपिडेमिक की तरह आजकल बढ़ता जा रहा है। जब लंग्स की टीबी होती है तो उसके लक्षण होते हैं, हमें पता है कि पेशेंट को खांसी होती है, खांसी में कभी खकार आना, कभी खून आना, इस तरह के सिम्टम्स उनको होते हैं, और पेशेंट जो है इस तरह के सिम्टम्स जो है वो बहुत अलार्मिंग सिम्टम्स होते हैं, पेशेंट तुरंत डॉक्टर के पास जाता है, अपना चेकअप कराता है। परंतु बच्चेदानी की जो टीबी है ये एक साइलेंट डिजीज़ है, इसके कोई लक्षण नहीं होते। टीबी के जो बैक्टीरिया हैं वो ट्यूब की इनर लाइनिंग को अफेक्ट करते हैं, और यहाँ से काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होते रहता है, परंतु आश्चर्य की बात यह है कि पेशेंट को कोई सिम्टम्स इससे नहीं होते हैं, या अगर होते भी हैं तो वो बड़े नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स होते हैं, यानी कुछ वेट लॉस होना, हल्का फुल्का पेट में दर्द होना, कभी थोड़ी बहुत माहवारी अनियमित हो जाना, यानी ऐसे स्पेसिफिक या अलार्मिंग सिम्टम्स नहीं है कि पेशेंट को खुद तुरंत समझ में आ जाए कि हमें कोई बीमारी है, हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए।
और यही कारण है कि ये डिजीज़ अक्सर बहुत लेट स्टेजेस में डायग्नोस होती है, यानी अंदर ही अंदर डैमेज होता रहता है, और फाइनली जब पेशेंट को इनफर्टिलिटी होती है, यानी वो प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं, कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, ऐसी स्थिति में जब वो डॉक्टर के पास आते हैं, हम उनके ट्यूब टेस्ट करते हैं, तो पता चलता है कि बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुका है, अंदर टीबी का इन्फेक्शन है, कभी कभी ये इन्फेक्शन ट्यूब से आगे और यूट्रस के अंदर की लाइनिंग में भी हो जाता है। तो जेनाइटल ट्यूबरक्यूलोसिस वाकई में एक बहुत बड़ी समस्या है, और इसके साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो ये है कि इसकी कोई भी एक गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट नहीं है, यानी कि कोई भी ऐसा टेस्ट नहीं है जो 100% हमें बता सके कि पेशेंट को टीबी है या नहीं है। उसका कारण यह है कि बच्चेदानी की टीबी में बैक्टीरिया का नंबर बहुत छोटा रहता है, बहुत, इसे पॉजी बैसिलरी कंडीशन, पॉजी यानी कम, बैसिलरी यानी बैक्टीरिया, जैसे लंग्स की जो टीबी होती है उसमें इतने बैक्टीरिया होते हैं कि खकार की जांच में ही बैक्टीरिया दिख जाते हैं साधारण एक स्लाइड टेस्ट से। बच्चेदानी की टीबी में परंतु बैक्टीरिया बहुत कम नंबर में होते हैं। दूसरा, ट्यूब की जो इनर सरफेस है वो बहुत छोटी होती है, उसे हम सैंपल नहीं कर सकते, उससे हम नमूना नहीं ले सकते हैं। हर महीने माहवारी के दौरान जो है वो लाइनिंग पूरी तरह से निकल जाती है, तो कई बार लाइनिंग में भी हमें बैक्टीरिया नहीं दिख पाते हैं। तो इसीलिए बच्चेदानी की जो टीबी है उसको एक एनिग्मा कहा जाता है हमारे मेडिकल फील्ड में, और इसे डायग्नोज करने के लिए पेशेंट के अंदर ये लक्षण है कि नहीं जानने के लिए डॉक्टर को बहुत हाई इंडेक्स ऑफ सस्पिशन रखना पड़ेगा। यानी हर पेशेंट को हमें केवल एक टेस्ट से नहीं, उसके सिम्टम्स, उसकी हिस्ट्री, उसके बचपन में कहीं कोई टीबी की फैमिली हिस्ट्री तो नहीं है, उनको खुद तो नहीं हुई है, साथ ही उनकी जो लैप्रोस्कोपी और हिस्ट्रोस्कोपी, ये क्या प्रक्रिया होती है इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे, और साथ में कुछ टेस्ट जैसे टीबी पीसीआर, कल्चर, जीन एक्सपर्ट, हिस्टोपैथोलॉजी, ये सारे टेस्ट, इन सबको मिलाकर एक डायग्नोसिस बनाया जाता है, और इसका ट्रीटमेंट करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि अदरवाइज रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो है वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, और ऐसी स्थिति बन जाती है कि पेशेंट जो है वो IVF से भी कंसीव नहीं कर पाती है। जी बिल्कुल डॉक्टर प्रिया, हमारे दर्शक महफूज हमसे जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। महफूज, स्वागत है आपका बंसल न्यूज़ पर, आप क्या कुछ जानना चाहते हैं डॉक्टर प्रिया से? महफूज, आपको आवाज आ रही है? महफूज, आपको आवाज आ रही है? हेलो हेलो, हाँ आवाज आ रहा है मैम। बिल्कुल महफूज, क्या जानना चाहते हैं आप डॉक्टर प्रिया से? एक्चुअली मैम, हमारी शादी की 6 साल हो चुकी है, लेकिन हमने कम से कम 2-3 डॉक्टर भी दिखा, लेकिन अभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाया। महफूज जी, क्या आपकी शुक्राणु जांच, वाइफ की लैप्रोस्कोपी और सोनोग्राफी हो चुकी है? हाँ, वो मैडम की भी जांच कराया था, मेरी भी जांच करवाया था, मैंने 1.5 साल पहले मेरी भी जांच किया था, इसकी भी जांच करवाया था, मतलब अंडे वंडे सब कुछ तो सही आ रहा है, लेकिन फिर भी मतलब खैर तो नहीं है। आपकी शुक्राणु जांच नॉर्मल है महफूज जी? हाँ, नॉर्मल है। आपकी वाइफ का ट्यूब टेस्ट हो गया है क्या, एक्सरे के द्वारा या फिर लैप्रोस्कोपी के द्वारा? नहीं, एक्सरे जरा हो गया। महफूज जी, आपके वाइफ की एज जान सकती हूँ? 29। आपके केस में HSG जो आप बता रहे हैं, यानी हिस्ट्रोसाल्पिंगोग्राफी, वो टेस्ट होता है ट्यूब खुली है कि नहीं देखने के लिए, हम यूट्रस के अंदर एक दवाई डालते हैं और एक्सरे लेते हैं, परंतु HSG जो टेस्ट है इसकी एक्यूरेसी केवल 60% होती है। तो आपके जैसे केसेस जहाँ पर 6-3 साल से अधिक हो चुका है ट्राई करते हुए, आपकी जितनी अभी तक जाँचें हुई हैं वो नॉर्मल है, आपको आपकी वाइफ को लैप्रोस्कोपी और हिस्ट्रोस्कोपी की आवश्यकता है। कई बार HSG जो है ये हमें इंटरनल पेटेंसी बताती है ट्यूब की, यानी ट्यूब अंदर से खुली है कि नहीं, परंतु ट्यूब में बाहर की तरफ से कोई अड़चन है, या फिर ओवरी और ट्यूब के बीच का जो रिलेशन है, यदि ओवरी पीछे की तरफ है, ट्यूब आगे की तरफ है, तो भी कंसीव करने में दिक्कत आ सकती है। कभी कभी एंडोमेट्रियोसिस या एडहेजन्स, यानी एब्डोमिनल ऑर्गन्स एबनॉर्मल रूप से यदि एक दूसरे से चिपके हों, इंटेस्टाइन चिपकी हुई हो, तो ये भी ट्यूब के अंदर फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया को अफेक्ट कर सकता है। तो मैं आपको सलाह दूंगी कि आप सबसे पहले अपने वाइफ को लैप्रोस्कोपी हिस्ट्रोस्कोपी की जांच कराएं, ऐसी जगह जांच कराएं जहां पर यदि कोई समस्या आती है तो उसको उसी समय ठीक भी किया जा सके, क्योंकि लैप्रोस्कोपी में हम ऐसा नहीं चाहते कि एक बार डायग्नोसिस करें उसके बाद फिर से मरीज को बेहोश करके अगली सिटिंग में ट्रीटमेंट किया जाए। लैप्रोस्कोपी जब हम करते हैं तो डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट दोनों हमें एक साथ ही करना होता है। जी बिल्कुल डॉक्टर प्रिया, अभी तक तो हमने जाना है कि फेलोपियन ट्यूब क्या है, इसका रोल क्या होता है, परेशानियां क्या क्या होती हैं, लेकिन ट्यूब ब्लॉक का इलाज कैसे किया जा सकता है? फेलोपियन ट्यूब का ब्लॉक यदि इनिशियल स्टेजेस पर है, और इसका हमने इन्फेक्शन, क्या कारण था इस ब्लॉक का, ये इन्फेक्शन कौन सा था, ये भी हमने डायग्नोस कर लिया है, तो
तो अधिकतर केसेस में लैप्रोस्कोपी और हिस्टरोस्कोपी द्वारा ये ब्लॉक्स ओपन किए जा सकते हैं। लैप्रोस्कोपी यानी पेट के अंदर दूरबीन डाल के पेट के अंदर के ऑर्गन्स, फेलोपियन ट्यूब्स, ओवरी, इनका आपस में रिलेशन, यूट्रस की बाहरी सरफेस, ये देखना। और हिस्टरोस्कोपी, हिस्टरो का अर्थ यूट्रस होता है, स्कोपी यानी कि देखना। हिस्टरोस्कोपी में हम एक यूट्रस के अंदर दूरबीन डाल के और उसके अंदर की जो सरफेस है, बच्चेदानी की जो लाइनिंग है, उसको चेक करते हैं। हिस्टरोस्कोपी और लैप्रोस्कोपी के द्वारा लगभग 60-70% जो फेलोपियन ट्यूब में ब्लॉक्स हैं वो ओपन किए जा सकते हैं और इसके बाद पेशेंट जो है वो अपने आप कंसीव कर सकता है। परंतु ये ट्रीटमेंट के लिए आवश्यक है कि ये इनिशियल स्टेज में ही इलाज हो जाए। बहुत लेट यदि हम रुके रहेंगे, एक से अधिक जगह पर मल्टीपल फेलोपियन ट्यूब्स में ब्लॉक यदि हो गए, ट्यूब का आखिरी सिरा एम्ब्रियो यदि कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो गया है, तो फिर लैप्रोस्कोपी से इलाज संभव नहीं होता है। परंतु ऐसे पेशेंट्स भी जिनका ब्लॉक बहुत सिवियर है, ठीक नहीं हो पा रहा है, वो भी टेस्ट ट्यूब बेबी के द्वारा जो है वो संतान सुख प्राप्त कर सकते हैं। टेस्ट ट्यूब बेबी में जो प्रक्रिया हमारे फेलोपियन ट्यूब के अंदर हो रही है अंडा और स्पर्म मिलने की, उसे हम शरीर के बाहर पेट्री डिश में करते हैं, यानी कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो यानी शरीर के बाहर, फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन। तो जो प्रक्रिया फेलोपियन ट्यूब्स के अंदर प्राकृतिक रूप से होती है, यदि ट्यूब्स डैमेज्ड हैं या रिमूव कर दी गई हैं या ब्लॉक ओपन नहीं हो पा रहा है, तो ऐसे केसेस में ये जो प्रक्रिया है इसे शरीर के बाहर किया जाता है। और अर्ली एम्ब्रियो डेवलपमेंट यानी जो फेलोपियन ट्यूब के अंदर 3-4 दिन का एम्ब्रियो डेवलप होना था, उसे भी हम शरीर के बाहर लैब में डेवलप करते हैं। जो भ्रूण बनते हैं इसे यूट्रस के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो जिन पेशेंट्स को किसी कारण से फेलोपियन ट्यूब में ब्लॉक हो गया है, सबसे पहले उन्हें एक अच्छे लैप्रोस्कोपी हिस्टरोस्कोपिक सर्जन के द्वारा इसको रिमूव कराने की कोशिश करना चाहिए। 60-70% केसेस में हम लैप्रोस्कोपी से ही ट्यूब को खोल पाएंगे। यदि ब्लॉक्स बहुत ज़्यादा हैं या ज़्यादा डैमेज हो चुका है, फिर आपको टेस्ट ट्यूब बेबी का सहारा लेना पड़ेगा। और टेस्ट ट्यूब बेबी में भी अब टेक्निकल एडवांसेस के कारण लगभग 50% तक प्रेगनेंसी रेट हम एक ही महीने में पा सकते हैं। तो ऐसे मरीजों को भी निराश होने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। जी बिल्कुल डॉक्टर पे। और एक बार फिर से दर्शकों को बताना चाहेंगे कि टीवी स्क्रीन पर लगातार नंबर फ्लैश हो रहे हैं। यदि आप भी किसी समस्या से परेशान हैं तो आप सीधे कॉल कर सकते हैं और डॉक्टर प्रिया से सलाह भी ले सकते हैं। अभी तक तो डॉक्टर प्रिया हमने जाना कि फेलोपियन ट्यूब ब्लॉक और इसका इलाज। अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होती है। जी, एक्टोपिक प्रेगनेंसी, एक्टोपिक शब्द का अर्थ होता है अपनी जगह से अलग, और प्रेगनेंसी यानी कि गर्भावस्था। हमें पता है कि गर्भावस्था यानी जो प्रेगनेंसी है वो यूट्रस के अंदर प्रेगनेंसी आती है और 9 महीने तक यूट्रस के अंदर ही डेवलप होके बेबी डिलीवर होता है। कभी कभी जब ये प्रेगनेंसी फेलोपियन ट्यूब के अंदर ही डेवलप होने लग जाती है, तब इसे एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहा जाता है। और ये तब होता है जब यदि किसी पेशेंट के ट्यूब्स डैमेज्ड हैं और ट्यूब के अंदर इंट्रा ट्यूबल एडिशंस बन गए हैं, यानी ट्यूब के अंदर ही कुछ ऐसे एडिशंस बन गए हैं जिससे ट्यूब का अंदरूनी सतह सिकुड़ गई है। फेलोपियन ट्यूब के अंदर प्रेगनेंसी क्यों आ जाती है, इसका यही एक्सप्लेनेशन है कि जब फर्टिलाइजेशन फेलोपियन ट्यूब के अंदर हुआ है, तब ट्यूब जो है वो धीरे धीरे भ्रूण को पुश करती है यूट्रस की तरफ, और फेलोपियन ट्यूब से यूट्रस के अंदर भ्रूण 5वें दिन आ जाता है। यदि पार्शियल ट्यूबल ब्लॉक है तो ये जो भ्रूण है इसका साइज 140 माइक्रॉन्स रहता है, और कभी कभी ये ब्लॉक होने के कारण यूट्रस के अंदर सरक नहीं पाता और वहीं पर डेवलप होने लग जाता है। अब फेलोपियन ट्यूब बहुत पतली होती है, ये बढ़ते हुए भ्रूण को सपोर्ट नहीं कर सकती, और जब प्रेगनेंसी करीब 5-6 हफ्ते की हो जाती है तो फेलोपियन ट्यूब रप्चर भी हो सकती है, क्योंकि ये जो भ्रूण है ये निरंतर बढ़ते जा रहा है। यूट्रस की वॉल मस्क्यूलर रहती है, इसके अंदर बच्चा जो है वो अच्छी तरीके से ग्रो हो सकता है, इसके अंदर डिस्टेंशन की प्रॉपर्टी रहती है। परंतु फेलोपियन ट्यूब बहुत पतली होती है, इनके अंदर मसल लेयर नहीं होती, तो लगभग 5-6 हफ्ते तक यदि प्रेगनेंसी डायग्नोस नहीं हुई है कि ये ट्यूब में ही ग्रो कर रही है, तो ये रप्चर भी हो सकती है। और फेलोपियन ट्यूब का रप्चर होना एक इमरजेंसी है, एक कैटास्ट्रफी है। इससे पेट के अंदर बहुत ज़्यादा रक्तस्राव होता है, और यदि सही समय पर डायग्नोस और ट्रीटमेंट नहीं मिला तो मरीज की जान को ये जानलेवा भी साबित हो सकता है। तो जब भी किसी महिला को हिस्ट्री है बच्चेदानी की, टीबी की, या किसी तरह के पेल्विक इन्फेक्शंस की, या फिर उनकी फेलोपियन ट्यूब को ओपन किया गया है लैप्रोस्कोपी या हिस्टरोस्कोपी द्वारा और वे कंसीव करती हैं, तो हमेशा उन्हें 6 हफ्ते से पहले एक सोनोग्राफी ज़रूर करा लेना चाहिए, ये इंश्योर करने के लिए कि प्रेगनेंसी यूट्रस के अंदर ही है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी नहीं है। जी बिल्कुल डॉक्टर प्रिया। हमारे अगले कॉलर कन्हैया नीमच से हमसे जुड़ गए हैं। कन्हैया, स्वागत है आपका बंसल न्यूज़ में। आप क्या जानना चाहते हैं डॉक्टर प्रिया से? कन्हैया, आपको आवाज़ आ रही है?
तो शायद हमारा संपर्क टूट चुका है। डॉक्टर प्रिया, अब हम बात करेंगे कि यंग वीमेंस में कॉमन हार्मोनल प्रॉब्लम क्या होती है। यदि हम कॉमन हार्मोनल प्रॉब्लम्स की बात करें तो ये ओवरी से संबंधित एक समस्या होती है जिसे पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम कहा जाता है। पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम इतना कॉमन हो गया है कि हर तीसरी चौथी लड़की को इससे संबंधित सिम्टम्स जो हैं वो आजकल दिखने लग गए हैं। और इसके कॉमन जो सिम्टम्स होते हैं वो होते हैं अत्यधिक वजन बढ़ना, चेहरे पे या शरीर पे अनचाहे बाल होना, एक्ने या पिंपल्स की समस्या हो जाना और साथ में माहवारी अनियमित हो जाना। आमतौर पर हमें पता है कि हर 28 दिन में माहवारी आनी चाहिए और 3 से 4 दिन तक ब्लीडिंग होनी चाहिए। यदि किसी महिला की माहवारी 2-3 महीने से ज़्यादा के अंतराल में आ रही है या फिर सिर्फ दवाई लेने पर ही माहवारी आ रही है तो ये एक हार्मोनल इम्बैलेंस का सूचक है और इसका बहुत कॉमन कारण जो है वो पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम की समस्या होती है। तो जब भी आपके घर में या आपके फ्रेंड सर्कल में किसी को इस तरह की समस्याएं हों, यानी कि माहवारी देर से आना, चेहरे पे ज़्यादा बाल आना, वज़न ज़्यादा बढ़ना, तो हमेशा रिप्रोडक्टिव मेडिसिन स्पेशलिस्ट से सलाह लें। हो सकता है कि पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम की समस्या हो रही हो और ऐसे पेशेंट्स को तुरंत डॉक्टर की सलाह लेके अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस के साथ ही कुछ हार्मोनल मेडिकेशंस शुरू किए जाते हैं जिससे इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं और ये बहुत ज़्यादा बढ़ने नहीं देना चाहिए। जी बिल्कुल डॉक्टर प्रिया, अब जानना चाहेंगे कि ऐसी कौन सी कॉमन सर्जरी होती है जो इनफर्टाइल वीमेंस में लेप्रोस्कोपी से की जाती है। जी, अभी हम चर्चा कर रहे थे कि यदि फेलोपियन ट्यूब में किसी की ब्लॉक है तो हम लेप्रोस्कोपी के द्वारा उसे ओपन कर सकते हैं। तो इसीलिए यदि किसी कपल की शादी को 3 साल से अधिक हो गए हैं, उनके सीमन टेस्ट यानी शुक्राणु जांच नॉर्मल है, महिला को ओव्यूलेशन हर महीने हो रहा है, HSG यानी जो एक्सरे होता है फेलोपियन ट्यूब्स का वो भी नॉर्मल है, हर ऐसे पेशेंट को एक लैप्रोस्कोपी और हिस्ट्रोस्कोपी की जांच अवश्य कराना चाहिए। लैप्रोस्कोपी और हिस्ट्रोस्कोपी में 3 तरह की बीमारियों का ट्रीटमेंट हो सकता है। पहला होता है ट्यूबल ब्लॉक्स और एडहेशंस, यानी कि जब भी ट्यूब में ब्लॉक है तो उसे हम कैन्यूलेशन प्रोसेस से या एडेजियोलाइसिस की प्रोसेस से ओपन कर सकते हैं। दूसरे तरह की जो प्रॉब्लम जिसे हम लैप्रोस्कोपी में ठीक कर सकते हैं वो है एंडोमेट्रियोसिस। एंडोमेट्रियोसिस भी एक कॉमन समस्या है महिलाओं की। एंडोमेट्रियोसिस में जैसे बच्चेदानी के अंदर की लाइनिंग में ब्लीडिंग होती है माहवारी के दौरान, उसी प्रकार यूट्रस के बाहर भी ट्यूब्स में या यूट्रस के पिछले हिस्से में हर महीने माहवारी के दौरान कुछ ब्लड इकट्ठा हो जाता है। इसके कारण महिला को एक तो पीरियड्स में बहुत ज़्यादा पेन होता है और दूसरा इनफर्टिलिटी की भी समस्या एंडोमेट्रियोसिस के साथ ही आती है। एंडोमेट्रियोसिस का भी ट्रीटमेंट जो है वो लैप्रोस्कोपी से संभव है और प्रॉपरली ट्रीटमेंट करने के बाद ये पेशेंट्स भी अपने आप कंसीव कर सकते हैं। तीसरी जो तरीका की बीमारियां हैं जो लैप्रोस्कोपी से ठीक की जा सकती हैं वो होती हैं यूट्रस के अंदर की लाइनिंग के अंदर की प्रॉब्लम्स। मैंने आपको बताया कि हिस्ट्रोस्कोपी में हम यूट्रस के अंदर की जो लाइनिंग है उसको चेक करते हैं। यदि यूट्रस के अंदर एक झिल्ली है जिसको सेप्टम कहते हैं, ये एक पर्दा होता है जो यूट्रस को 2 भागों में डिवाइड कर देता है, इसका भी ट्रीटमेंट बहुत आसानी से हिस्ट्रोस्कोपी से संभव है। साथ ही फाइब्रॉइड्स यानी बच्चेदानी के वॉल के अंदर के जो ट्यूमर्स होते हैं उनको भी अब ये की होल सर्जरी या लैप्रोस्कोपी के माध्यम से ठीक किया जा सकता है। और ये सारी चीज़ें करने के बाद जो है हम यूट्रस की एनाटॉमी को नॉर्मल बना देते हैं और इसके बाद बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि पेशेंट को किसी और ट्रीटमेंट की आवश्यकता नहीं पड़े और वो नॉर्मली ही कंसीव हो सकता है। यदि बीमारी बहुत एडवांस दिखी, यदि इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा है, एंडोमेट्रियोसिस सीवियर ग्रेड का है, तो फिर ऐसे पेशेंट्स को एटलीस्ट हमें अंदर की स्थिति पूरी तरह से भली भांति पता चल जाती है और ये हमें मदद करता है आगे उनकी ट्रीटमेंट यानी टेस्ट ट्यूब बेबी को प्रॉपरली प्लान करने में। जी बिल्कुल डॉक्टर प्रिया, अभी तो हमने ट्यूब ब्लॉक भी जान लिया है, लेप्रोस्कोपी के बारे में भी जान लिया है, लेकिन ट्यूब ब्लॉक के इलाज में लेप्रोस्कोपी का किस तरह से रोल होता है ये एक बार फिर से दर्शकों को बताना चाहेंगे। देखिए, लेप्रोस्कोपी के दौरान 2 तरह के ब्लॉक्स हम ओपन कर सकते हैं। पहले होते हैं प्रॉक्सिमल ट्यूबल ब्लॉक। प्रॉक्सिमल का अर्थ होता है शुरुआत, यानी जो ट्यूब की जो शुरुआत है जहाँ पर वो यूट्रस से अटैच रहती है, यदि वहीं पर किसी पेशेंट को ब्लॉक है तो इस तरह के ब्लॉक को कॉर्नुअल ब्लॉक कहा जाता है। इस तरह के ब्लॉक के ट्रीटमेंट में एक प्रक्रिया की जाती है जिसे कॉर्नुअल कैन्यूलेशन कहते हैं। हम जानते हैं कि जिस प्रकार एंजियोग्राफी या एंजियोप्लास्टी में नसों के अंदर एक तार डाला जाता है और उससे जो भी ब्लॉक है उसे हम ओपन कर देते हैं जिससे कि ब्लड फ्लो शिराओं से वापस होने लगता है, ठीक उसी प्रकार जब ट्यूब में ब्लॉक होता है तो एक कैन्यूलेशन सेट हिस्ट्रोस्कोपी के माध्यम से यूट्रस के थ्रू होते हुए हम फेलोपियन ट्यूब्स के अंदर डालते हैं। फिर एक टेफ्लॉन की वायर होती है जो ब्लॉक के साइट को जाके ओपन करती है और इसके बाद में दवाई इंजेक्ट की जाती है देखने के लिए कि ट्यूब ओपन हो गई है कि नहीं।
कॉर्नुअल कैन्यूलेशन एक बहुत ही अच्छी प्रोसेस है, क्योंकि ये बहुत आसान है। इसमें केवल कुछ घंटों की भर्ती, करीब 12-13 घंटों की भर्ती की आवश्यकता होती है, और इसमें लगभग सक्सेस का जो प्रतिशत है वो 60-70% है ट्यूब ओपन हो जाने का। यदि किसी के डिस्टल ट्यूबल ब्लॉक है, यानी ट्यूब का आखिरी हिस्सा ब्लॉक है, उस केस में भी एक विशेष तरीके से, जिसे साल्पिंगोस्टॉमी कहते हैं, ट्यूब के आखिरी हिस्से के जो एडिशन है उन्हें सेपरेट किए जाते हैं और ट्यूब को ओपन कर दिया जाता है। जी बिल्कुल डॉक्टर प्रिया। हमारे अगले दर्शक सरिता बालोदा बाजार से हमसे जुड़ गई हैं। सरिता, स्वागत है आपका बंसल न्यूज में, आप क्या जानना चाहती हैं? जी मैम, तो जब मैं पहला बच्चा सीजर से हुई थी जी, और प्रेग्नेंट हूँ अभी 3 महीना का, तो दर्द हो रहे हैं पेट में। अभी आपके 3 महीने कंप्लीट हो गए हैं, आपको पेट में कहाँ ऊपर दर्द हो रहा है या पेड़ों में दर्द हो रहा है? शायद हमारा संपर्क टूट चुका है, लेकिन दर्शक लगातार टीवी स्क्रीन पर है, आप इनका इलाज यदि बताएं। देखिए, यदि प्रेगनेंसी के 3 महीने में पेड़ों में दर्द हो रहा है तो आपको तुरंत डॉक्टर की सलाह की आवश्यकता है, और डॉक्टर आपको एग्जामिन करेंगी, हो सकता है कि आपकी सोनोग्राफी कराएं। ये दर्द हो सकता है यूरिन में किसी तरह का इन्फेक्शन हो, या फिर इंटेस्टाइन में किसी तरह की सूजन या कुछ इन्फेक्शन हो उसके कारण हो, परंतु हमेशा सेफ ये रहेगा कि आप तुरंत अपने आसपास जो भी स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं उनके पास तुरंत जाएं और एग्जामिन करा के उचित सलाह लेके और इसका ट्रीटमेंट कराएं। जी बिल्कुल डॉक्टर प्रिया, महिलाओं से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी आपने, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे तमाम बातचीत के लिए। थैंक यू। और इसी के साथ हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे एक नई स्वास्थ्य संबंधी समस्या को लेकर, साथ ही बताएंगे उसके उपाय। तो दीजिए इजाजत, नमस्कार।